अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे। और किरण खान के ब्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे तेवा वाली बिरयानी, और उसके लिए मैंने अब चावल उबालने रख रही हूँ और इनको अच्छी तरह धो लेंगे। और चिकन को मैंने लेमन और नमक लगा के इसमें पानी डाल के रख दिया है, ताकि इसमें से जो हल्का सा भी हमारा ब्लड होगा वो निकल जाएगा, हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। आए अब चलते हैं, अपने चावलों को धो लेते हैं। को मैंने अच्छी तरह धो के पानी डाल लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, बिस्मिल्लाह, ताकि ये हमारे जो चावलों को साथ में जुड़ने नहीं देगा। और इसमें अब नमक ऐड कर लेंगे, बिस्मिल्लाह, नमक काफ़ी ऐड करेंगे, पानी निकल जाएगा, नमक जो हमारे चावल हैं उनमें जायका आ जाएगा। अब हम इसमें सिरका डाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। सिरका अपने दो तीन चम्मच डाल लें, मैंने अंदाजे से डाल लिया है। अब इसमें बादाम का फूल डाल देंगे खुशबू के लिए, फिर हम इसको निकालेंगे उबाल आने के बाद, बिस्मिल्लाह। अब इसमें दो तीन लौंग डाल लेंगे, तो लौंग को भी हम बाद में निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। अब इसके नीचे आग लगा देंगे, अपने चावलों को उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखें साथ में मैंने लहसुन और अदरक को डाल लिया है, और रेड मिर्चें भी डाल ली हैं, इनको अच्छी तरह पीस लेंगे। पीसने के बाद, क्योंकि हमने साथ में चावलों को उबलने रख दिया है, और कौरमे की भी तैयारी साथ साथ करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल लिया है, और इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। जब ये हमारा अच्छी तरह पीस जाएगा, तो फिर साथ में कौरमे की तैयारी करते हैं। साथ हम घी डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाह। आग हमने लगा लिया नीचे, घी डालने का दो अदद प्याज थे जो मैंने काट लिए थे, अब इनको डाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। इनको हल्का सा काफ़ी ब्राउन होने देंगे, तो उसके बाद हम अपना चिकन धो लेते हैं अच्छी तरह, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है उसको, और साथ ही जो हमारे राइस हैं उनको भी उबाल आने वाला है। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम अपना चिकन धो के, मैंने अच्छी तरह चिकन, आप देख सकते हैं कितना वाइट साफ हो गया है चिकन, मैंने धो लिया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमने बनाना है इसका कोरमा, तो और माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारे चिकन का कलर है, इसको हमने चेंज करना है। और साथ में हम दो तीन आलू बुखारे भी डाल देंगे, आपको पता है कोरमे में आलू बुखारे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें, ये हम दो तीन डाल देंगे इसको, बिस्मिल्लाह, ताकि इनका भी टेस्ट आता रहे। और साथ में हम नमक ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखें, हसबे जायका नमक कर देंगे, ताकि इसका भी जो हमारे चिकन में टेस्ट है वो दोबारा हो जाए। और हम इसको भूनेंगे, भूनने के बाद जो बाकी हमारे जो मसाले हैं, फिर वो हम बाद में ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये देखें, अब साथ में जो हमारे हैं लहसुन वगैरह कूटा है वो हम इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह साफ कर लेंगे, ताकि हमारा इसमें मसाला रह ना जाए, बिस्मिल्लाह। इस तरह ये है ना, जो हमारा कौरमा बनेगा ना, ये बहुत मज़ेदार और बहुत बिरयानी लाजवाब बनेगी हमारी तेवा की। इसको सारे को अच्छी तरह डाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसको अच्छी तरह भून के फिर हम बाद में टमाटर ऐड करेंगे। ये देखें, राइस माशाल्लाह हमारे उबल चुके हैं, ये देखें, और कितने लंबे से राइस हुए हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे, छान लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, राइस को मैंने अच्छी तरह छानी में छान लिया है। इसको अब ठंडा होने देंगे, और उतनी देर में हम, ये देखें माशाल्लाह, आप देख सकते हैं हमारे कोरमे का कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसको हम अच्छी तरह भी और भूनेंगे, और देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर शुरू हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, दो मिनट वाटर काट लिए थे, बिस्मिल्लाह। इसको हम डाल देंगे बीच में, ये मैंने काट लिए हैं टमाटर जो हम बिरयानी में तेल लगाएँगे, लेमन और टमाटर।
जी देखें इसको अच्छी तरह भून लेंगे, टमाटरों को भी, क्योंकि जो हमारा कौरमा है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। और मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी भी बताने लगी हूँ, क्योंकि हम जो अक्सर कौरमा बना लेते हैं हम चावलों में मसाला नहीं डालते। आज मैं जैसे तेल लगाऊंगी ना, वो बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, तो आपको किसी ने आज तक शायद नहीं बताई होगी। तो वो मैं साथ में अपने ते पे बिरयानी की उसमें मसाला भी ऐड करेंगे। जो ये कौरमा है वो हमने सिंपल घर वाले मसालों से बनाया है, क्योंकि आपको पता है जो घर वाले होते हैं मसाले वो साफ़ सुथरे और उनका जायका कुछ और बनता है कौरमे में। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे कौरमे का। ये देखें थोड़ा सा पानी का छटा लगा दिया मैंने, ताकि मैंने कहा हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो चिकन है इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम 2-3 लेमन ऐड कर देंगे, ताकि हमारी जो कौरमा है वो अच्छी तरह टेस्ट आ जाए। बिस्मिल्लाह। अब देख सकते हैं तो इसको मैं हल्का सा हिला लूँगी, थोड़ा सा पानी लगा देंगे। ये देख माशाल्लाह माशाल्लाह देख कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे कौरमे का। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ी सी हल्की आंच पे हम अच्छी तरह पकने देंगे, ताकि जो हमारा कौरमे का टेस्ट है ये अच्छी तरह पक जाए, फिर हम अपनी बिरयानी को तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसको अब हम अच्छी तरह पकने देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारा कौरमा है आप देख सकते हैं वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके नीचे आग बंद कर देंगे और हम तेल लगानी अब शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खाली पतीला मैंने तवे पे चढ़ा लिया है, और अब इसमें हम सालन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा कौरमा हमने बनाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने हल्का हल्का सा मसाला रखना है, क्योंकि आपको पता है बिरयानी फिर जब तक मसाला ना हो तो नहीं अच्छी, इसका टेस्ट नहीं जाएगा चावलों में। आपने थोड़ा थोड़ा सा घेर घेर से ही कौरमा तैयार बनाना है। हम हल्का सा नीचे डालेंगे। अब हम चावलों की तेल लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ये देखें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारी बिरयानी बनने वाली है। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह करके हमने 2-3 तेल लगानी है, ताकि जो हमारे चावलों में टेस्ट है बिरयानी का वो अच्छी तरह आ जाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। इसके ऊपर थोड़े से चावल और डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसके ऊपर फिर हम सालन डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। दो तीन तेल लगानी है हमें, ताकि जो हमारा टेस्ट है बिरयानी का वो लाजवाब बने। अब देख सकते हैं अब हम इस पर अपने टमाटर और लेमन है वो रख लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये देखें और साथ में लेमन रख लेंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलर आ रहा है। ये देखें अब हम इसके ऊपर फिर चावल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और तेल लगा लिया हमने, और अब हम आखिरी तेल साला कौरमा डाल लेंगे ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अब हम लास्ट और आखिरी तेल अपनी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह ऊपर डाल लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अब जो हमारी जो ये लास्ट है सारी चीज़ें हम इस पर ऐड करेंगे। अच्छा जो मैंने आपसे सीक्रेट कहा था कि एक रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, और जो ये है हमने अब ये राइस पे ना ये मसाला करना है बिरयानी मसाला। बिस्मिल्लाह। जब इसकी खुशबू आएगी ना तो माशाल्लाह लाजवाब आएगी। आप देख सकते हैं इस तरह हम डाल देंगे। ये देखें ऊपर और हल्का सा हमने सूखा पुदीना डालना है खुशबू की, ताकि हमारी जो खुशबू आए। और अब हम इसमें रंग ऐड कर देंगे। बिरयानी आपको पता है रंग के बगैर तो अधूरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 3 जगहों पे हम डालेंगे, ताकि जो हमारी बिरयानी का कलर है वो खूबसूरत सा आ जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी बिरयानी बनने वाली है। अब हम इसको दम दे देंगे।
और ये देखें हमने 15 से 20 मिनट दम देंगे बिरयानी को, नीचे तवा रखा हुआ है और आग हमने बिल्कुल मुनासिब की हुई है ताकि जो हमारी बिरयानी को दम है वो अच्छी तरह आ जाए, क्योंकि हमने राइस बहुत ज़्यादा कुक नहीं किए थे, उनमें थोड़ी सी थी हड्डी वगैरह थी, तो ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। और ये अब हम 15 से 20 मिनट दम देके फिर आपसे मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने साथ किचन को भी समेट लिया है ताकि ये ना हो ना कि आप बिरयानी कोई चीज़ बना रहे हैं कि आपके साथ में जो बर्तन वगैरह वो वहीं पड़े रहे, नहीं, साथ में किचन को भी समेट लेना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह साथ साथ मैंने सारा कुछ समेट लिया है। अब हमारी बिरयानी दम पे है, बस थोड़ी देर ही दम उतार लेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर आपसे मिलते हैं। 15 से 20 मिनट दम दे लिया है, हम उतार लेंगे अब बिस्मिल्लाह और हिलाएंगे नहीं, इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि इसकी जो भापें हैं वो निकल जाए अच्छी तरह। देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की शान, कितना हमारी बिरयानी का कलर आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह और भाप उठ जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है और आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी हमारी बिरयानी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये है हमारी फाइनल लुक बिरयानी की और आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी बिरयानी बनी है। और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आप सबकी मोहब्बत है। और अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आप बीमारों को सेहत दें इन दुआओं के साथ।